लेकिन चैत के प्रोग्राम ऐसे ना होला चैत के तनी भर वर्णन कह के शेर कह के एगो चैत के लैदारी गा के दू मिनट प्रसंग के बात कह के चैता उठा ले होला। अरे वा चार प्रकार के जगह और महीने में गवाला कार्तिक में बैसाख में एगो भजन गौनी आध्यात्मिक गीत तब तनी प्रसंग गौनी चैत में चौपाई कह के प्रसंग बढ़ जा प्रसंग भी गौनी हो गलती भाई जा। आज पहला दिन है नवरात्रि के आज शैल पुत्री के चाचा बोलते बोली इसीलिए हम लोग को कहने पड़ रहा है कि चैत के बाद तो आप लोग कीर्तन गवे करते हैं। यहाँ पर चैत इतना प्रकार के आप लोग के पास में है लेकिन चैत आप लोग कोई प्रकार लिखा नहीं रहे हैं। सृजानंद जी दस्ताने में चल जा रहे हैं और अभी सुवेरन के बाद अभी आप लोग को प्रोग्राम एक हो रहा है अब 2:45 हो रहा है। जी जी तो थोड़ा सा ना आप लोग इस पर दोनों सोचिए हमको कहने की क्या जरूरत है। ठीक ठीक चैत के वर्णन में ही रह गया। हेलो तनी अभी 2-3 बरिस से गावत तनी मार्केट में ढेर देखले नहीं 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 बड़े गावत तनी ढेर दिन से बाकी मार्केट में भी 2-3 साल से तन 2-4 गो लोग चिन्ह लो संगीत बा काम बहुत आवाज तो बाकी स्वर्ग वो वीरेंद्र सिंह हमारा याद पड़ जाता है जननी अभी अनुभव कर सृजा बार वाला का बहुत कमी बा। हां चैता तो यही साल गावत नहीं है के हर साल कह गए रहा भाई 2:45 होखे वाला बा चैत के वर्णन रही बाबा चैत का है में का होला ई कुल वर्णित कोई जला हर वक्त होता नहीं कि रोम करोम गोइलू के उपाय की नहीं है करुणा निधान के पुलाव तल। अच्छा बताई एक जना अग्नि देवता का पूजा करत रहले एक जना बहरिया अग्नि देवता के एक जना भीतरी पानी में जाके जहां पंचनद रहे देवी भागवत ने की पढ़ले तपस्या करे कहे कथी करे बोल खती दोनों जना निसंतानी रहे लो बेटा ना रहे से कबू तब गई लोग 5 गो नदी जहां मिले लोग पंचनद कह जला त्रिवेणी जहां 3 गो नदी के मिलन होला त्रिवेणी कहला और पंचनद में जाके तपस्या कर तले तब ग्राह बन के इंद्र मार दल बड़े ओकर बाद रम जो मुड़ी काट के चढ़ावे लगल तो अग्नि जो प्रकट भइले वरदान माए कहले तब कहले कि हमरा के बेटा दी कहले कि यो मस्तुजा शक्तिशाली बेटा होई जाए लो तब कल के बाबा रोकी तो हमर बियाह भइले नहीं था हमर बाल बच्चा होई केगा तब कल के जा जकरा पर नजर डिग जाई ओकर से तरह पुत्र तन के प्राप्ति होई गइल बड़े भैंस पर नजर पड़ल जरा महिष्मती नाम रहे समागम कइले बाद में भैंसा चहटले बावे लड़ाई कइले बड़े सीना में सिंह से मार के मुआ दल बटे भैंस भागवत पहुंचल बड़ी कहावा जहां कर समाप्ति यक्ष लो रहत रहे यक्ष लो लड़ाई को के मारल आ चीता सजा कर रोम के लाश जरावत लू भैंसियो कूद गई पति ने कहा तो हम कहे के तो जन बाप के रक्त से पैदा भइल जंगा फार को कर रक्तबीज नाम परल आ जन महिषी के पेट से भइल महिषासुर नाम परल रक्तबीज एगो गुप्त कारण बस पाताल लोक में चल गई महिषासुर तपस्या को के ब्रह्मा जी के 10,000 वर्ष अब वरदान ले हलस कि हमरा कितना शक्तिशाली बना दी देवता दानव मानव केहू से हमरा डर ना रहे कहले केओ मस्तु है चलल बावे सारी मंडल पर राज कर लेलो सारा राजा लोग के जीत के राक्षसों का एक छत्र राजा बन गया। तब शुक्राचार्य से कंस के गुरुदेव खुश माने नु इस पृथ्वी का एक छत्र राजा महिषासुर है कल के चुप चुप अपना खानदान के दुश्मन के देख इंद्र पर चढ़ाई कर उहे जाके इंद्र पर चढ़ाई कर बड़े महिषासुर और सारा देवता लोग लड़ाई में से भाग चलल ओकर बाद में ब्रह्मा विष्णु शिव भी भाग चलल गुप्त मीटिंग कइलु पर्वत के कंदरा में आ पर्वत के कंदर में मीटिंग भइल आ सबे हुंकार भरले बा कुल जना के तेज से 18 भुजा के एगो लेके भेल बड़ी देवी भागवत पुराण में लिखल बा जब दुर्गा का हाइल बड़ी बाट में अष्टभुजी भी भइल बड़ी आ उनकर पूजा भइल बा त कब भइल बा एकम दूज तृतीया त सब में रूप बदलत गइल बड़ी। आज शैल पुत्री के बारे में बताओ चाहत हम भाई कोनो बात ना अब अपन हम गीत सके में चल चल बाना बाबा ना करिया बकरी का कतना बरियार तो लोग जानी दिए।